हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62-65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ने नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक मां अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखाकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है, और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। कि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है, और यही कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े मां बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। कर उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूं और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। एक शैक्षणिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है, और बड़े ही आश्चर्य की बात है जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर के विश्वविद्यालयीन शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहां एक ओर हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, तो वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है? और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस, प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। खून कहो किस्मत
मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा, आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजान बाहू ऊंची करके वे बोले, रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे, हम देंगे देंगे रक्त बस यही शब्द सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष, वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूं, वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता है। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। दुस दिन देखा साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महावीरों ने खून से इतिहास नया। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस हमारा हमेशा बरकरार रहे। हम लोगों को ये जो आज़ादी मिली है, ये इतने आसानी से आज़ादी नहीं मिले, वो आज़ादी के लिए न जाने कितने वीरों ने अपने बलिदान दिए हैं। इसको दक्षिण का याद करिए, टीपू सुल्तान, वो मराठाओं की शक्ति, वो राजपूतों का बलिदान, वो सिखों की तलवार, झांसी की रानी, वो 11 साल का लड़का खुदीराम बोस जिसकी दाढ़ी मूंछ नहीं थी फिर भी उसने अंग्रेजों के आगे डट कर मुकाबला किया और अंग्रेजों ने उस बच्चे को फांसी चढ़ा दिया, वो सुभाष चंद्र बोस याद कीजिए, वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, न जाने कितने वीरों ने इस देश को सींचा है अपने रक्त से, तब हमें ये आजादी मिली है। लेकिन आज भी अशिक्षितता के अभाव में, अशिक्षितता के कारण हम इस आजादी को अच्छे से नहीं ले जा पा रहे हैं। जितना देश को आगे जाना चाहिए, अभी भी देश को आगे ले जाने की जरूरत है।